जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड में। फ्रेंड्स, अगर आप भी इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी में ऑफिसर कैसे बनते हैं इसके कंप्लीट प्रोसेसर के बारे में बताएंगे। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के यूजफुल वीडियोस इस चैनल पर आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन आर्मी को मुख्य रूप से दो तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है, पहला सोल्जर रिक्रूटमेंट के द्वारा और दूसरा आर्मी ऑफिसर एंट्री स्कीम के द्वारा। सोल्जर रिक्रूटमेंट के द्वारा इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का तरीका, एलिजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में इंडियन आर्मी ऑफिसर एंट्री स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी में दो प्रकार के कमीशन होते हैं, एक होता है SSC यानी के शॉर्ट सर्विस कमीशन और दूसरा होता है PC यानी के परमानेंट कमीशन। पहले हम ये बात करेंगे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन होते क्या है। वो कैंडिडेट्स जो कि इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि SSC के थ्रू ऑफिसर बनते हैं, उनका जो वर्किंग पीरियड होता है वो 10 से 14 साल का होता है। इनका वर्किंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद यानी कि 10 साल कंप्लीट होने के बाद इनके पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है या तो वो अपने शॉर्ट सर्विस कमीशन को परमानेंट कमीशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है कि जो उनका वर्किंग पीरियड होता है 10 साल का, वो कंप्लीट होने के बाद उसे वो 4 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं और उसे 14 साल तक बढ़ा सकते हैं, और बीच में अगर चाहे तो कभी भी रिजाइन भी कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन होता है कि वो 10 साल बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि SSC। और वो कैंडिडेट्स जो कि इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन यानी कि PC के थ्रू ऑफिसर बने हैं, उनका करियर जो है उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट जो कि 60 साल होती है उसके बाद होता है। और यहाँ पर बता दूं कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे जो रिटायरमेंट की एज होती है वो अलग अलग होती है। सो फ्रेंड्स, ये होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि SSC और परमानेंट कमीशन में डिफरेंस। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन एंट्री स्कीम के तहत आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके पास पांच ऑप्शन होते हैं जिनके थ्रू आप इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन के थ्रू ऑफिसर बन सकते हैं। पहला ऑप्शन है नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी कि NDA एंट्री स्कीम। सेकेंड ऑप्शन है TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम। थर्ड ऑप्शन है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। चौथा ऑप्शन है TGC यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री स्कीम। और पांचवा ऑप्शन है AEC मैन यानी कि आर्मी एजुकेशनल कॉप्स। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री स्कीम के तहत आर्मी ऑफिसर बनने के ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास पांच ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल। सेकेंड ऑप्शन है शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल। थर्ड ऑप्शन है NCC एंट्री स्कीम। फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट सर्विस कमीशन जैग एंट्री यानी कि जज एडवोकेट जनरल। और पांचवा ऑप्शन है AFMC एंट्री स्कीम। AFMC में यानी कि द आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज जो कि पुणे में है। तो यहां पर अब हम वन बाय वन जो है इन सभी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे परमानेंट कमीशन के जो ऑप्शंस थे पांच, उन पांचों ऑप्शंस के बारे में हम यहां पर वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहां पे NDA एंट्री स्कीम यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी के बारे में। NDA एंट्री स्कीम के द्वारा केवल इंडियन आर्मी में ही नहीं बल्कि तीनों सेनाओं यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन किया जा सकता है। NDA एंट्री स्कीम के लिए कैंडिडेट 12th क्लास के दौरान ही अप्लाई कर सकते हैं और UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा को पास करना होता है इसमें आपको। लिखित परीक्षा में पास कैंडिडेट को SSB यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो इंटरव्यू होता है उसको पास करना होता है, जो कि आपका 5 दिन तक चलता है और इसके अंदर जो है आपका पर्सनालिटी इवेल्युएशन टेस्ट किया जाता है। NDA एंट्री के जरिए सिलेक्टेड कैंडिडेट को NDA यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी में 3 साल की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और इसी पीरियड के दौरान कैंडिडेट को ग्रेजुएशन भी कराई जाती है। NDA में ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट को IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून आर्मी, इंडियन नेवल अकेडमी जहीमल कन्नूर जो कि नेवी के लिए है, और एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में भेज दिया जाता है। यानी कि आप पर्टिकुलर जिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एयरफोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद भेजा जाएगा, अगर आप जो है नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंडियन नेवल अकेडमी जहीमल कन्नूर वहाँ पर भेज दिया जाएगा, और अगर आप जो आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी कि IMA देहरादून भेजा जाएगा। इन तीनों अकेडमी में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ट्रेनिंग 1 साल के लिए करवाई जाती है। NDA एग्जाम साल में 2 बार UPSC द्वारा आयोजित किया जाता है।
अब हम बात करेंगे दूसरा ऑप्शन जो कि है TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में। NDA एंट्री की तरह यह एंट्री स्कीम भी 12वीं के आधार पर होता है। NDA में आर्ट्स, कॉमर्स तथा साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल आर्मी ऑफिसर एंट्री स्कीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है तथा तीनों सब्जेक्ट्स में एग्रीगेट 70% मार्क्स होने चाहिए। TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाता है। 12th क्लास के मार्क्स के आधार पर कट ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है और कट ऑफ में आने वाले कैंडिडेट को SSB इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाता है। SSB इंटरव्यू तथा मेडिकल फिट कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है। TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम की ट्रेनिंग जो है वो कुल 5 साल तक होती है, जिसमें शुरू में 1 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी यानी कि OTA गया में होती है। इसके बाद 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है जिसमें कैंडिडेट को इंजीनियरिंग डिग्री भी मिलती है। 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग CME यानी कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में, MCTE यानी कि द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महो जो कि मध्य प्रदेश में है उसमें, और MCEME यानी कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद में होती है। तो ये हो गया आपका टेक्निकल एंट्री स्कीम TES। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑप्शन जो कि है आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन CDSE यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। एंट्री में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी CDSE एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CDSE एंट्री में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट केवल आर्मी में ही जाते हैं। NDA की तरह CDSE का एग्जाम भी UPSC द्वारा साल में 2 बार आयोजित किया जाता है तथा लिखित परीक्षा, SSB इंटरव्यू पास करने तथा मेडिकल फिट कैंडिडेट को मेरिट के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। CDSE एंट्री कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग IMA देहरादून में 18 महीने की होती है तथा पासिंग आउट परेड यानी POP से पहले जेंटलमैन कैंडिडेट को आर्म्स तथा सर्विसेज अलॉट कर दी जाती है। अब हम बात करेंगे आपके चौथे ऑप्शन की जो कि आपका है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी कि TGC एंट्री स्कीम। ये आर्मी ऑफिसर एंट्री स्कीम भी ग्रेजुएशन के आधार पर होती है। जिन स्टूडेंट्स को BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तथा BTEC यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया है या BE तथा BTEC के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो वो TGC यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। TGC एंट्री नोटिफिकेशन भी वर्ष में 2 बार नवंबर और दिसंबर तथा मई और जून में निकाले जाते हैं। TGC एंट्री कैंडिडेट को भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि SSB इंटरव्यू पास करना होता है और TGC एंट्री कैंडिडेट की ट्रेनिंग IMA देहरादून में 1 साल की होती है और उसके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट की रैंक पर कमीशन किया जाता है। अब हम बात करेंगे पांचवा ऑप्शन जो कि परमानेंट कमीशन के अंदर लास्ट ऑप्शन है, AEC मैन यानी कि आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स। AEC मैन एंट्री में केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने MA, MCOM, MSc, MBA, MCA फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन से पास किया हो। इस आर्मी ऑफिसर एंट्री स्कीम में फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। AEC मैन एंट्री स्कीम की ट्रेनिंग भी 1 साल की होती है जो कि IMA देहरादून में होती है। IMA देहरादून में रिपोर्टिंग के बाद कैंडिडेट को शॉर्ट सर्विस कमीशन के आधार पर ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के सफलतापूर्वक समाप्त होने पर परमानेंट कमीशन दिया जाता है। कैंडिडेट को ट्रेनिंग के समय से ही लेफ्टिनेंट रैंक की सैलरी लागू हो जाती है जो कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इकट्ठा मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये वो थे 5 ऑप्शंस जिनके थ्रू आप परमानेंट कमीशन एंट्री स्कीम के तहत इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि SSC के थ्रू ऑफिसर बनने वाले 5 ऑप्शंस के बारे में। तो पहला ऑप्शन है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल। यह आर्मी ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन एंड वीमेन दोनों के लिए है यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इस एंट्री के लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती है। इस एंट्री में इंजीनियरिंग मार्क्स के आधार पर कट ऑफ जारी की जाती है और कट ऑफ लिस्ट में आने वाले कैंडिडेट्स को SSB इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाता है और SSB इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट पास कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को OTA यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी जो कि चेन्नई में है वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग जो होती है वो यहाँ पर 49 वीक्स करीब करीब 11 महीने की होती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आप साल में 2 बार यानी कि जनवरी तथा जुलाई में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके सेकेंड ऑप्शन की जो कि आपका है शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल। SSC नॉन टेक्निकल एंट्री के लिए भी वर्ष में 2 बार जुलाई और नवंबर में नोटिफिकेशन निकलता है लेकिन इस एंट्री के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है। लिखित परीक्षा में पास कैंडिडेट को SSB के लिए बुलाया जाता है।
और टेक्निकल एंट्री की तरह एसएसपी पास तथा मेडिकल टेस्ट में फिट होने वाले कैंडिडेट को ही मेरिट लिस्ट के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है। इस एंट्री की ट्रेनिंग भी ओटीए चेन्नई में होती है और ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो भी समान ही होता है, यानी कि 49 वीक्स होता है। अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर एनसीसी एंट्री स्कीम के बारे में। इंडियन आर्मी ऑफिसर की इस एंट्री स्कीम में केवल वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एनसीसी सीनियर डिवीजन में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ पास किया हो। इस एंट्री स्कीम का नोटिफिकेशन जून और दिसंबर में निकलता है। इस एंट्री स्कीम में जिस आर्मी यूनिट के द्वारा कैंडिडेट को एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसी यूनिट के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। इस एंट्री स्कीम में भी कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू को पास करना होता है। अब हम बात करेंगे चौथा ऑप्शन जो कि आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन JAG एंट्री, यानी कि जज एडवोकेट जनरल। इंडियन आर्मी की इस एंट्री स्कीम में केवल लो ग्रेजुएट यानी कि LLB डिग्री होल्डर ही अप्लाई कर सकते हैं। JAG एंट्री में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को LLB में कम से कम 55% मार्क्स होने अनिवार्य है। कैंडिडेट के पास इंडियन बार काउंसिल या स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की योग्यता होना आवश्यक है। इस एंट्री स्कीम में जून और दिसंबर में अप्लाई किया जा सकता है तथा एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी होती है। अब हम फाइनली बात करेंगे इंडियन आर्मी में SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ऑफिसर बनने के लास्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है AFMC एंट्री स्कीम। इंडियन आर्मी ऑफिसर की यह केवल एकमात्र ऐसी एंट्री स्कीम है जिसमें कैंडिडेट को SSP इंटरव्यू नहीं देना होता है। इस एंट्री स्कीम में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी होना अनिवार्य है। इस एंट्री स्कीम में कैंडिडेट को लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है तथा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग AFMC यानी के आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में होती है। ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो 4 साल का होता है और AFMC के जरिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स तीनों सेनाओं यानी कि आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट को MBBS की डिग्री भी प्रदान की जाती है तथा कैंडिडेट सेना में डॉक्टर के पद पर काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था कि आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको फ्यूचर में इसी तरह की यूजफुल वीडियोस इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।